दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएफओ इंटरनेट में। देखिए, यूपी बीएड का रिजल्ट जारी हो चुका है, तो आइए आप रिजल्ट अपना कैसे देख पाएंगे। तो सीधे आपको क्रोम ब्राउजर पे ले चलते हैं। देखिए, मैं क्रोम ब्राउजर पे आ चुका हूँ। आपको बस कुछ टाइप नहीं करना है। यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उस लिंक को कॉपी करके रखा हूँ। उसके बाद इंटर करते हैं। इंटर करेंगे तो देखिए, आपको इस तरह से आपका होम पेज नज़र आएगा। तो आपको यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आप अपना फॉर्म डेस्कटॉप साइज में कर लीजिए। तो आपको यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, यहाँ कैप्चा जो दिखाई दे रहा है जेड क्यों, इसको यहाँ फिल कर देंगे। ठीक, देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, इधर पासवर्ड हो गया, और ये कैप्चा कोड, यहाँ पे कैप्चा कोड। उसके बाद में लॉगिन कर लेंगे। ठीक, लॉगिन करेंगे तो आपको नज़र आएगा, तीन इंटरफेस नज़र आएंगे। यहाँ होम, स्कोर कार्ड एकदम लास्ट में नज़र आएगा, एडमिट कार्ड नज़र आएगा। तो स्कोर कार्ड वाले ऑप्शन पे आपको इधर क्लिक करना है। उसके बाद में एक लिंक खुलेगा, क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो आपका स्कोर कार्ड इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए, इसमें कैटेगरी रैंक आपका दिखाई दे रहा है, कैटेगरी रैंक आपको दिख रहा है यहाँ पे। कैटेगरी रैंक ओबीसी रैंक जो है 1,00,000, कैटेगरी रैंक आपका 1,42,527 दिखाई दे रहा है। देखिए, स्टेट रैंक जो है आपकी बार यूपी बीएड ने नहीं दिया है। स्टेट रैंक देखिए खाली ही है। तो देखिए, दोनों पेपर में नंबर जो है इनके 101 नंबर हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।